बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिया फैशन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही म्यारी और बहुत ही सस्ती सी ब्यूटी टिप। फ्रेंड्स, आज की जो ब्यूटी टिप है उससे आपकी स्किन फेयर हो जाएगी और आपके स्किन पे अगर कोई पिंपल है, अगर एक्नी की प्रॉब्लम है आपको, तो वो भी उससे ठीक हो जाएगी और आपकी जो झाइयाँ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और झुर्रियाँ हैं उससे भी वो स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी टिप शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और आल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सकें। तो आई फ्रेंड्स, आज की ब्यूटी टिप शुरू करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें यूज़ होगी हल्दी और बेसन और लेमन और रोज़ वाटर। आप किसी भी कंपनी का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सब। मैं इस कंपनी का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, अर्के गुलाब। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए अर्के गुलाब, और आप इसे आँखों में भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत फ़ायदे हैं अर्के गुलाब के। तो इसमें हम आज ये तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक खाली कंटेनर ले लूँगी। इसमें लूँगी एक चम्मच बेसन। अगर आपने फेस पे, हाथों पे, पैरों पे यूज़ करने तो आप बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं बहुत थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं, ये आप जो इस तरह की आप ब्यूटी टिप बनाते हैं या जो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं स्किन के लिए, उसमें अगर आप थोड़ी सी डाल लें तो ये बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। हल्दी वैसे भी एंटीबायोटिक है। और इसमें हम अब डालेंगे लेमन हाफ़, इसको कट करके इसमें हाफ़ डालेंगे। इसके मैंने बीज निकाल लिए। अब ये पूरा जो हाफ लेमन है वो हमने इसमें डाल देना है। ये बहुत अच्छी टिप है। और लेमन वैसे भी आपको पता है इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लगाने में भी और पीने में भी लेमन के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेमन के जूस के भी और लेमन के छिलके के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। लेमन के छिलके से भी एक बहुत अच्छी ब्यूटी टिप बनती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रोज़ वाटर। अगर आपको आपका पेस्ट सही नहीं बन रहा तो आप इसमें थोड़ा सा और भी रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। हल्दी का बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आ रहा है। इसको आपने फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से।
ये ऐसा पेस्ट बन जाए कि ये देखें ये गिर नहीं रहा, इस तरह का पेस्ट बनाना है आपने। अब आपने इसको हाथों की मदद से इस तरह से यूज़ करना है, अच्छे से सारे फेस पे, हाथों पे, बाजुओं पे, पैरों पे, नेक पे आप इसको लगाएं। आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाएगी, और जो अब मैं इसमें लेमन डाला है उससे स्किन फाइन भी हो जाएगी, शाइन करेगी, ग्लो करेगी। अब आपने इसको 5 मिनट तक ऐसे रब करना है। ये बहुत अच्छी टिप है और इससे आपकी स्किन की एक नेचुरल सी लुक आ जाएगी, और आपका जो एक्ने के प्रॉब्लम है, अगर आपको ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप बहुत हल्के हाथ से ये मसाज करेंगे, रब करेंगे बहुत हल्के हाथ से। और वैसे भी फेस पे हल्के हाथ से रब करना चाहिए, हाथों पे और पैरों पे, नेक पे, घुटनों पे, कोहनियों पे, वो आप ज़रा थोड़ा सा सख्त हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने कम से कम 5 मिनट तक ऐसे करना है, मसाज करना है, रब करना है। आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का खुश्क होना शुरू हो गया है। आपने इसको अच्छे से हर जगह पे अब ये खुश्क होना शुरू हो गया है, ये देखें उतर नहीं रहा हाथों से। ऐसे ही फेस पे आपने लगाना है। अब आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपने सादे पानी से इसको वॉश करना है। इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि स्किन कितनी फाइन और ग्लो करेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, फाइन कर रही है और शाइन कर रही है। जो इसमें लेमन डाला है उससे ये बिल्कुल स्किन साफ़ हो गई है। तमाम जो इसमें मिट्टी और धूल मिट्टी और हल्का सा मैलापन सा था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और स्किन एकदम शाइन हो गई है, फाइन हो गई है। ये देखिए मेरे दोनों हाथों में फ़र्क। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी ये टिप है। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट मुझे इसी तरह से मिल सकती है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और मुझे दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आपको स्किन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके स्किन के कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ही आसान सी सस्ती सी टिप बताऊंगी, जिससे आपकी स्किन एकदम फाइन करेगी और ग्लो करेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।